हेयर डेंसिटी को तो इंक्रीज करता ही है. यू कैन सी अ लॉट ऑफ हेयर्स. सीओडी में इसे इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं, पीसीओएस में इसे इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं. मेरे बाल बहुत डेंस फील हो रहे हैं. आई थिंक यू गाइज कैन सी, यू गाइज कैन नोटिस. हे गाइज, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल. मैं हूँ शाइनी. आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ओजीवा बायोटिन पाउडर का 1 मंथ अपडेटेड रिव्यू. मैंने 1 मंथ पहले एक वीडियो अपलोड किया था ओजीवा के इस प्रोडक्ट के ऊपर, बट अभी 1 मंथ से मैंने इसे इस्तेमाल किया है. ये पूरा खत्म हो गया है. सो आई एम गोइंग टू अपडेट माई रिव्यू कि मुझे कितना ज़्यादा इससे बेनिफिट मिला है एंड एवरीथिंग ऑफ दैट. सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट ऑफ ऑल, पैकेजिंग एंड ऑल के ऊपर मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि मेरे ऑलरेडी उस वीडियो में मैंने काफी डिटेल में इस प्रोडक्ट के ऊपर बताया है. सो अगर आप जानना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिए. यहाँ पर मैंने लिंक किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी मैं दे दूंगी. सो मेक श्योर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करना. सो ये एक्चुअली प्लांट बेस्ड है, दैट्स व्हाई मैंने इसे परचेज किया था. एंड मैं इसे कंटिन्यू डेली बेसिस पर इस्तेमाल कर रही हूँ. एंड मैं इसे 2 बार नहीं लेती, मैं बस 1 बार कंज्यूम करती हूँ इसे. आप चाहे तो 3 to 4 times भी आप इसे कंज्यूम कर सकते हैं. 1 glass ऑफ नॉर्मल वाटर में आप 1 to 2 scoops ऐड कीजिए, जितना आपको चाहिए. एंड फिर उसे मिक्स करके यू जस्ट नीड टू ड्रिंक दैट. और ये इसका जो टेस्ट है ना, वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है. इसका थोड़ा सा टैंगी सा टेस्ट है, जो आई थिंक एवरी गर्ल एंड इनफैक्ट मेन के लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि टैंगी, थोड़ा सा टैंगी टेस्ट है जो समर्स के लिए बेस्ट है. तो मैं क्या करती थी पहले कि थोड़ा सा आइस की उसमें उसके ऊपर डाल देती थी, तो थोड़ा सा और भी अच्छा लगता था मुझे. 1 month तक मैंने हर रोज 1 glass ऑफ वाटर में मैंने इसे मिक्स किया है. 1 scoop ही मैंने डाला है, 1 scoop. एंड फिर मैंने इस्तेमाल किया है. आई यूज टू ड्रिंक दैट एंड आई डोंट नो, मतलब इसका जो इफेक्ट है ना, वो मुझे 2 weeks के बाद से ही दिखा मुझे, क्योंकि मेरे जो हेयर फॉल थे वो रुक गए, तब रिड्यूस हो गए, बहुत लेवल काफी हद तक रिड्यूस हो गए मेरे हेयर फॉल. एंड फिर मेरे जो बाल है ना, वो ज्यादा घने लग रहे हैं मुझे. आई डोंट नो, मुझे फील हो रहा है कि एक्चुअल में ये हुआ है, बट काफी ज्यादा घने लग रहे हैं मेरे बाल. जो पहले मुझे लगता था कि बहुत पतले हो गए हैं, वैसा भी नहीं फील हो रहा. अब मुझे मेरे बाल बहुत डेंस फील हो रहे हैं. आई थिंक यू गाइज कैन सी, यू गाइज कैन नोटिस. एंड मेरा जो उस वाले वीडियो में शेयर किया था, वो 2 weeks के बाद था, और उसमें भी मुझे काफी हद तक डिफरेंस नजर आ रहा था. एंड अभी यू कैन सी कि बहुत ही ज्यादा घने हो गए हैं माय हेयर्स. एंड मतलब बहुत पूरा हेयर्स, छोटे छोटे जो बाल है ना, यहाँ पर भी मैं देख रही हूँ कि छोटे छोटे हेयर ग्रोथ हो रहे हैं. सो आई थिंक दिस इज वर्किंग, एंड ये काफी हद तक वर्क करता है. बाल का जो टेक्स्चर है, हेयर्स का जो टेक्स्चर है, वो अगर पतले है, आपके नीचे से पतले है, तो ये बालों के जो टेक्स्चर उसको थिक बनाता है, जो मैंने नोटिस किया है. एंड डेफिनेटली हेयर डेंसिटी को तो इंक्रीज करता ही है. यू कैन सी अ लॉट ऑफ हेयर्स. आई कैन फील कि मेरे हेड पर बहुत सारे हेयर्स है अभी, जो कि पहले मुझे लगता था कि बहुत खाली हो रहे हैं, ज्यादा हेयर फॉल हो रहे हैं, लेकिन हेयर फॉल रिड्यूस होने के साथ साथ आई कैन फील कि हाँ, बाल बहुत ज्यादा डेंस भी हुए हैं. और ये जो बायोटिन पाउडर है, ये बहुत टेस्टी है. सो आई थिंक इसकी वजह से मैं इसे डेली कंज्यूम कर पाती हूँ, बिकॉज इट्स सो टेस्टी. मैं हर टाइम वेट करती हूँ कि कब शाम होगा और कब मैं 1 glass ऑफ ओजीवा बायोटिन पाउडर कंज्यूम करूंगी, क्योंकि इसका जो टैंगी टेस्ट है वो सबसे ज्यादा अच्छा लगता है. एंड इसका जो कलर है, चेरी रेड कलर, वो भी मुझे काफी अट्रैक्टिव लगता है. दिस वन कैन बी कंज्यूम्ड बाय मेन, विमेन, एवरीवन. अगर आप प्रेगनेंसी पर है फिर भी आप इसे कंज्यूम कर सकते हैं, बट आई विल रिकमेंड कि आप एक बार जरूर अपने जो डॉक्टर है उनको कंसल्ट करें, उसके बाद आप इसे कंज्यूम करें. एंड आई थिंक एवरीथिंग विल बी गुड. और ये प्रोडक्ट काफी हद तक वर्क किया है मेरे लिए. सो आई एम थिंकिंग ऑफ रीपर्चेसिंग दिस वन अगेन, ताकि मैं इसे कंटिन्यू कर पाऊँ. सो या दैट वॉज 1 month अपडेटेड रिव्यू. आई थिंक ये रिव्यू वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल था. बहुत रिक्वेस्ट आई थी, बहुत सारे क्वेरीज थे. तो मैं बेसिकली आप लोगों को बता दूं कि पीसीओडी के लिए ओजीवा का अलग से प्रोडक्ट है, अलग से पाउडर्स है. आप चाहे तो उसे परचेस करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं. सो आई थिंक दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू ऑल. वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड हाँ, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा. और अगर फिर भी आपकी कोई भी क्वेरी है ओजीवा बायोटिन पाउडर रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं. वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को शेयर जरूर करना सबके साथ. मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन, लव यू ऑल, बाय बाय.